गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज टॉपिक हमारा है कि लॉगिन फॉर्म बनाना है और उसमें डेटाबेस जो यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है, एमएस एक्सेस यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले काम अपन क्या करते हैं, एमएस एक्सेस में एक टेबल बनाते हैं लॉगिन टेबल नाम से, उसमें फील्ड्स लगते हैं और फिर एक लॉगिन फॉर्म से उससे हम लॉगिन करके आपको बताते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले अपन काम क्या करते हैं, एम एस एक्सेस को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो एम एस एक्सेस को ओपन करने के लिए आपको मालूम कहाँ जाना है, स्टार्ट में जाना है। आप यहाँ से क्या ले लीजिए, एक्सेस को ओपन कर लीजिए। किसको, एक्सेस को, एक्सेस एक्सेस को ओपन करने के बाद जो भी आपको डेटाबेस लेना है, जिस टेबल डेटाबेस के अंदर टेबल बनानी है, तो अपना एक टेबल डेटाबेस बना था एस आई सी एस नाम से, अपन इसी पर क्लिक करते हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद अपन क्या करेंगे, इसी डेटाबेस में एक टेबल बना लेंगे। क्रिएट बटन पे गए अपन, यहाँ से अपन लिया टेबल डिज़ाइन, क्या लिया, टेबल डिज़ाइन। तो अपन ने एक यहाँ से ले लिया आईडी, आईडी को अपन ने यहाँ से क्या कर दिया, आईडी इसको अपन ने यहाँ से बना दिया ऑटो टेक्स्ट। क्या बना दिया अपन ने यहाँ से इसको, ऑटो टेक्स्ट, सॉरी ऑटो नंबर से करने से इससे फ़ायदा क्या होता है आपको मालूम, ये आईडी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती रहती है। क्या होती है, दूसरा हमने पहला दूसरा ले लिया हमने फील्ड यूज़र नेम, क्या ले लिया, यूज़र नेम, इसको हमने बना दिया टेक्स्ट। चाहो तो आप इसका फॉर फील्ड साइज भी चेंज कर सकते हो और कुछ और भी चेंज कर, तो हमने यहाँ से ले लिया इसको टेक्स्ट। दूसरा हमने यहाँ से ले लिया पासवर्ड, क्या ले लिया, पासवर्ड, इसका भी जो डेटा टाइप लिया वो हमने क्या ले लिया, टेक्स्ट। यानी हमने एक टेबल बनाई, टेबल में हमने तीन फील्ड्स रखे, आई डी, यूज़र नेम, पासवर्ड, और क्लियर। अब हमने यहाँ पर क्या किया, जो यूज़र आई डी अपने पास, आईडी अपने पास है, इसको हमने राइट क्लिक करके इसको यहाँ से बना दिया प्राइमरी की। क्या बना दिया हमने इसको, प्राइमरी की बना दिया है। अब हम इस टेबल को सेव कर देते हैं, टेबल को क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। टेबल का नाम देते हैं टैब लॉगिन, क्या नाम देते हैं, टैब लॉगिन, क्लियर। इसको हमने टैब लॉगिन नाम से क्या कर दिया, सेव कर दिया। ये हमारी टेबल बन गई। और इस टेबल में आप देखिए हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो तीन फील्ड्स हमारे पास हैं। अब इस डेटाबेस का नाम क्या, एस आई सी एस, और एस आई सी एस के अंदर जो टेबल बनी है वो हमारी किस नाम से बनी, टैब लॉग इन नाम से। अब हम क्या चाहते हैं कि हम जो bb.net ये फॉर्म बनाएं, अब यहाँ पर हम अपना एक लॉग इन फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर्म का नाम क्या देना चाहते हैं, लॉग इन फॉर्म। तो अपन यहाँ पर एक लॉग इन फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, चाहे तो उसमें रिकॉर्ड्स भी डाल देते हैं, एक एक्सेस करने, नहीं तो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसी टेबल में अपन एक रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर देते हैं, क्लियर। तो अपन जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, आईडी अपनी आ ही जाएगी। अपन ने यूज़र नेम जैसे दे दिया एडमिन, एडमिन यूज़र नेम क्या दे दिया, एडमिन। पासवर्ड भी अपन ने क्या दे दिया, एडमिन। पासवर्ड भी अपन ने क्या दे दिया, एडमिन। एक रिकॉर्ड अपन ने पहले से इसमें डाल दिया, यूज़र नेम एडमिन, और पासवर्ड भी अपने पास क्या है, एडमिन। अब इस टेबल के यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, क्लोज। उसके बाद अपन यहाँ से आए, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से ग्रुप बॉक्स रखते हैं, फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं, क्लियर। तो एक फॉर्म अपन ले लेते हैं यहाँ से डिज़ाइन करने के लिए। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, यहाँ से लेते हैं अपन ग्रुप बॉक्स, ग्रुप बॉक्स को लिया। ग्रुप बॉक्स को लेने के बाद अपन यहाँ से क्या करते हैं, क्लियर, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद अपन इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं, यानी फॉन्ट साइज़ को अपन यहाँ से क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो फॉन्ट साइज़ जैसे अपन ने कर दिया 10, फॉन्ट साइज़ कितना कर दिया अपन ने, 10, क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, इस फॉर्म का नाम जैसे देते हैं अपन यहाँ टेक्स्ट ग्रुप बॉक्स का, तो ग्रुप बॉक्स का नाम अपन ने क्या कर दिया, लॉगिन, क्या नाम कर दिया, लॉगिन, क्लियर। अब अपन ने यहाँ पे देखिए दो लेवल रखे, एक लेवल अपन ने रखा, जैसे एक लेवल रखेंगे अपन किसके लिए, यूजर नेम इनपुट कराएंगे, और एक में अपन क्या इनपुट कराएंगे, क्या इनपुट कराएंगे, पासवर्ड। तो टूल बॉक्स में अपन यहाँ से लेते हैं लेवल 1 और एक लेवल ले लिया लेवल 2, क्लियर। इसी तरह अपन ने दो टेक्स्ट बॉक्स रखे, टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2, ठीक है। उसके बाद एक बटन रख लिया अपने, बटन का नाम क्या दे दिया, लॉगिन, जिस पे आप यूज़र क्लिक करें और हमारा कोई भी फॉर्म जो भी आप ओपन करवाना चाहते हैं वो फॉर्म आपका यहाँ से ओपन हो जाए, क्लियर। उसके बाद आपने क्या किया, ये देखिए इन सबके आप टाइटल चेंज कर लीजिए। हमने पहला दे दिया क्या दे दिया, यूज़र नेम, लेवल का नाम क्या देती है, यूज़र नेम, यूज़र नेम। दूसरा हमने ले दिया यहाँ से पासवर्ड, क्या दे दिया, पासवर्ड, पास, दूसरा हमारे पास है वो क्या, पासवर्ड, क्लियर, पासवर्ड। ये हमने दो ले लिए, क्लियर।
इसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स का जो पहले वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम हमने क्या किया, एक एक चीज को आप देखिए ध्यान से तभी कर पाएंगे, टीएक्सटी यूजर नेम, क्या नाम करते हैं, टीएक्सटी यूजर नेम। दूसरा हमने यहाँ से कर दिया राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने कर दिया टीएक्सटी पास, क्या नाम दे दिया, टीएक्सटी पास। अब बटन का नाम हमने चेंज किया, राइट क्लिक गए, प्रॉपर्टी में गए, इसका नाम हमने कर दिया यहाँ से बीटीएन लॉगिन, क्या नाम करते हैं, बीटीएन लॉगिन। और इसका टेक्स्ट भी हमने क्या कर दिया, लॉगिन, क्या नाम करते हैं, लॉगिन। क्लियर, कीबोर्ड से एक्सेस करने के लिए हमने आपको क्या बताया, अगर आप कीबोर्ड से एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके आगे क्या लगा देते हैं, एम्परसेंड लगा। क्लियर, ये हमने यहाँ से एक बटन ले ली। अब अपन क्या चाहते हैं कि इस बटन पर क्लिक करें, आप अपने हिसाब से कलरफुल डिज़ाइन जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं। क्लियर, आप चाहे तो इमेज वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं, जो भी जैसा चाहे वैसा फॉर्म आप यहाँ से अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर, तो हमने ये लॉगिन फॉर्म बना लिया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी वगैरह, कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना है जैसे बैकग्राउंड कलर, इमेज, जो भी आपको लगाना है तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, जैसा भी आपको कलर सेटिंग्स करनी है सारी सेटिंग्स आपको मैं बता चुका हूँ। क्लियर, उसके बाद अब अपन क्या करते हैं, जब आप अभी इस फॉर्म को रन कराएंगे, फॉर्म टू को रन कराएंगे, तो पासवर्ड आपको दिखेगा, पासवर्ड आपको क्या करेगा, दिखेगा। तो आप चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड ना दिखे, तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी अगर याद हो पिछली क्लासेस में, पासवर्ड कैर प्रॉपर्टी। जैसे अभी जैसे हमने रन कराया इसमें, इस फॉर्म को देखिए, हम रन कराने के बाद अगर हम यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, क्या डालेंगे, यूजर नेम अगर हम पासवर्ड इनपुट करेंगे तो अपन को देखना अभी दिखाई देगा। क्लियर, फॉर्म एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा, फॉर्म हमारा क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ये देखिए अगर हम इसमें एडमिन, तो यूजर नेम तो दिखाई दे रहा है, पासवर्ड भी हमें दिखाई दे रहा है। तो आप चाहते हो पासवर्ड हमारा हाइड रहे, पासवर्ड हमें दिखाई देना नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या करना है आपको, इस प्रॉपर टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है और इस टेक्स्ट बॉक्स को आपको क्या कर देना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको बताई थी मैंने, पासवर्ड कैर प्रॉपर्टी, क्या बताई, पासवर्ड कैर प्रॉपर्टी। तो आप देखिए नीचे आएंगे, ये देखिए पासवर्ड कैर, आप यहाँ पे एस्ट्रिक्स टाइप कर दीजिए, मैंने एस्ट्रिक्स टाइप कर दी। अगर अब इस फॉर्म को रन कराओगे तो आपका पासवर्ड कैसा हो जाएगा, हाइड, यानी पासवर्ड आपको दिखाई नहीं देगा। देखिए अब आप पासवर्ड कुछ भी डालेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। अब अपन क्या चाहते हैं कि डेटाबेस से इसमें लॉग इन करना, डेटाबेस से क्या करना चाहते हैं, इसमें लॉग इन करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि जो डेटाबेस अपन ने बनाया उस डेटाबेस से इस फॉर्म को अपन अटैच करना चाहते हैं। तो अटैच करने के लिए सबसे पहले हमने बताया था कि हम दो नेम स्पेस यूज करते हैं, इम्पोर्ट सिस्टम डॉट डेटा, क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट डेटा, और एक दूसरा नेम स्पेस हम यहां से लेते हैं इम्पोर्ट, क्या लेते हैं, इम्पोर्ट सिस्टम डेटा डॉट ओ एल ई डी वी, क्योंकि एक्सेस से कनेक्ट कनेक्शन जब हम करते हैं तो किसका यूज करते हैं, ओ एल ई डी वी का यूज करते हैं। क्लियर, उसके बाद अब जो डेटाबेस हमने बनाया है उस डेटाबेस से हमको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए हमें किस क्लास की जरूरत पड़ती है, कनेक्शन क्लास की जरूरत पड़ती है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया कॉन एज न्यू, कनेक्शन क्लास क्या, ओ एल ई डी वी, ठीक, ओ एल ई डी वी कनेक्शन। अब जो डेटाबेस हमने बनाया है उस डेटाबेस का यहाँ पे हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, तो उसके लिए हमने आपको कई बार बताया कि किस पे जाते हैं, सर्वर एक्सप्लोरर पे जाते हैं। उसकी बात हमारे पास व्यू, व्यू के अंदर सर्वर एक्सप्लोरर, उस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमको किस डेटाबेस बनाया हमने, एस आई सी एस नाम से। उस एस आई सी एस डेटाबेस के अंदर जो टेबल हमारी वो किस नाम से, लॉग इन नाम से टेबल हमारी है, किस नाम से, लॉग इन नाम से हमारे पास टेबल है। क्लियर, क्लियर, किस नाम से, लॉग इन नाम से। अब इस लॉग इन नाम की टेबल को हमें किससे एक्सेस करना है, इस डेटाबेस से अपन के एक्सेस करना, किस डेटाबेस से, जो डेटाबेस हमने बनाया उससे हमें इसको एक्सेस करना। तो सबसे पहले कनेक्शन लाने के लिए राइट क्लिक करेंगे डेटाबेस पे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे लिखा है कनेक्शन स्ट्रिंग, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी कर लीजिए आप, क्या करिए, कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। क्लियर, उसके बाद अब यहाँ पे आइए और आपने यहाँ पे ओपन किया ओपन कनेक्शन, अब आपका क्या होगा, कनेक्शन ओपन हो गया। दूसरा, रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराने के लिए जब हम यूज करते हैं, जैसे हमें रिकॉर्ड लेना है यूजर आईडी पासवर्ड, तो हम क्लास लेते हैं सी एम डी एज न्यू, ओ एल ई डी वी कमांड, क्या लेते हैं, ओ एल ई डी वी कमांड।
इसके अंदर अपनी क्वेरी को पास करते हैं सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम हमने क्या दिया, टैब लॉग इन, लॉग इन, टैब लॉग इन दिया हमने। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है, क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है वेयर वेयर यूजर नेम इक्वल टू सिंगल कोट और इसके अंदर डबल कोट। अब यहाँ पे हमने पास किया एम परसेंट लगा के क्या उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट, एक हो गया कि अगर यूजर नेम ये डालें। इसके बाद हमने यहाँ पे लगाया एंड ऑपरेटर, क्योंकि क्वेरी हम लगा सकते हैं एंड, क्योंकि हमें पासवर्ड भी चाहिए तो हमने यहाँ पे दे दिया पासवर्ड। ये ध्यान रखना है यहाँ पे वही नाम देना है जो आपने अपने डेटाबेस में दिया है। डेटाबेस में क्या दिया, यूजर नेम और पासवर्ड। तो हमने यहाँ देखिए पासवर्ड इक्वल टू अगेन सिंगल कोट, सिंगल कोट के अंदर आपको डबल कोट, डबल कोट के अंदर आपको एम्परसेंट पास करना, उसके बाद उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, तो txt पास डॉट टेक्स्ट। देखिए हमने पास कर दिए दोनों, हमने कंडीशन लगा के यानी कि यूजर नेम ये हो और पासवर्ड ये हो। उसके बाद हमने यहाँ पे पास कर दिया कौन, क्या पास कर दिया कौन। अब आपको मालूम है अगर ये दोनों चीज़ें सही हैं तो हमने क्या कर लिया, इनको अगर आपको चाहिए ही चाहिए हमको यार किसी से इनको एक्सेस कराना, तो हमें आप एक रीडर बनाते हैं डिम, क्या देते हैं डिम रीडर, तो RDS OLED, क्या लेते हैं OLED डेटा रीडर इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। हमने आपको CMD के तीन मेथड्स बताए थे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट रीडर और एग्जीक्यूट स्कॉलर। जब हम रीडर से टेक्स्ट बॉक्सेस की बाइंडिंग करते हैं या रीडर से कोई वैल्यू उठवाते हैं तो हम एग्जीक्यूट रीडर का यूज़ करते हैं। जब हम इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्वेरी चलाते हैं तो हम एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड यूज करते हैं, और जब हम किसी डेटाबेस से सिंगल वैल्यू निकलवा, जैसे काउंट करना है, सम करना, एवरेज करना, तो वो क्या है, सिंगल वैल्यू निकाल के दे रहा है। तो जब हम सिंगल वैल्यू निकालते हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट स्कॉलर। यहाँ पर हमें क्या करना है, यूज़र ID पासवर्ड निकलवाना है डेटाबेस से और वही ट्रू वैल्यू निकलवानी, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया एग्जीक्यूट रीडर, क्या लगा दिया एग्जीक्यूट रीडर। उसके बाद इस एग्जीक्यूट रीडर अगर ये हमको सही दे रहा है तो हम चाहे तो यहाँ पे इसको चेक करा सकते हैं डायरेक्ट, क्या RE डॉट रीड रीड इक्वल टू हम डायरेक्ट दे सकते हैं ट्रू। अगर ये क्या हो, अगर ये ट्रू हो, यानी कि जो दे रहा है जो वैल्यू आ रही है अगर वो ट्रू हो, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया फॉर्म वन को शो करा लेते हैं, फॉर्म वन डॉट शो, फॉर्म वन को हमने क्या करा लिया, शो करा लिया। और हमने क्या कर दिया मी डॉट क्लोज, मी डॉट क्लोज या मी डॉट हाइट, जो भी आप चाहें मी डॉट हाइट कर दिया छिप जाए। एल्स अगर ये नहीं है, अगर मान लो ये हमें गलत देता है तो हमारे पास क्या आ जाए, मैसेज आ जाए, क्या आ जाए, मैसेज आ जाए आपके पास कि इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया MSG बॉक्स के अंदर दे दिया हमने इनवैलिड, मैसेज टाइप कर दिया इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्या दे दिया यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्लियर। आप इसको चाहें तो नेस्टेड इफ से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने कर दिया कॉन डॉट क्लोज, जितने भी ऑब्जेक्ट लिए सारे ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा क्लोज, CMD इक्वल टू नथिंग, ठीक, और रीडर इक्वल RD डॉट क्लोज, RD को आपको क्या करना पड़ेगा क्लोज करना पड़ेगा। चाहो तो आप यहाँ मैसेज भी दे सकते हैं लॉग इन सक्सेसफुली। अब अपन एक बार इसको रन कर फाइल करा के देखते हैं, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया एडमिन, ठीक, पासवर्ड भी अपन ने क्या डाल दिया एडमिन, ठीक। ये देखिए हमारा यूजर आईडी पासवर्ड सक्सेसफुल था, हमारा फॉर्म क्या हो गया ओपन हो गया, क्लियर। अब की बार हम गलत डालते हैं, अब की बार हम क्या करते हैं इसको गलत डालते हैं, रन कराया हमने, अब की बार जैसे हमने डाल दिया एडमिन और पासवर्ड हमने कुछ और डाल दिया, यानी कंडीशन हमारी क्या हो रही फॉल्स। तो हमारे पास आ गया, देखिए क्या आ गया, मैसेज आ गया इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, हमारे पास क्या आ गया इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। इस टाइप से आप डेटाबेस में कोई भी लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। अभी जैसे हम चाहे हम पासवर्ड गलत डालते हैं, ई रिकवरी कराना चाहते हैं तो ईमेल से भी आप अटैच कर सकते हैं, ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी आपको इतनी चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए जो हमने अभी आपको बताई, अगर इन जो लॉगिन फॉर्म आप यहाँ से इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर। अब आप देखिए इसकी स्क्रीन वगैरह भी सेट कर सकते हैं, जैसे अभी रन कराते हैं लॉगिन फॉर्म को, अभी देखिए ये फॉर्म आपका खिंच रहा है,
ये कि कोई भी छोटा बड़ा कर सकता है ना। ये देखिए सेटिंग्स, देखिए इसकी लॉगिन फॉर्म है, आप इस फॉर्म को रन कराते हैं, ये देखिए फॉर्म आपका क्या हो रहा है, खींच रहा है ना। आप इसको फिक्स्ड बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते, फिक्स्ड। और इसको ये कहाँ आया आपका, सेंटर स्क्रीन आ, तो आप राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए फॉर्म स्टाइल रिसाइजेबल है, यहाँ से आपको इसको कर देना है फिक्स्ड सिंगल। क्या कर देना, फिक्स्ड सिंगल, जितना आप साइज सेट कर दोगे उतने ही साइड में आएगा। दूसरा, इसकी ओपन, जब ओपन होगी कहाँ पे आना चाहिए, सेंटर स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पे जाएंगे, देखिए विंडो स्टेट है ना, विंडो स्टेट अभी नॉर्मल है, नॉर्मल रखिए आप इसका। आप स्टार्टिंग पोजीशन देखिए, लिखा है प्रॉपर्टी है स्टार्टिंग पोजीशन, आपने दे दिया सेंटर स्क्रीन या सेंटर पेरेंट, जहाँ भी आप चाहते, तो आपने दे दिया सेंटर स्क्रीन। अब इसको आप अगर आप कंपाइल करा के रन कराएंगे तो आपका ये कहाँ खुलेगा, देखिए सेंटर ऑफ स्क्रीन आ रहा है, सेंटर ऑफ स्क्रीन, या सॉफ्टवेयर जब रन होगा तो आप ये सेंटर ऑफ स्क्रीन आ रहा है, कहाँ है, सेंटर ऑफ स्क्रीन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपने डाला एडमिन, एडमिन टैब, उसके बाद पासवर्ड डाल दिया एडमिन, और आपने यहाँ से क्या कर दिया, लॉगिन, देखिए खुल गया। और इसी तरह अगर मान लो आपने कोई MDI फॉर्म बनाया होता, आप चाहते हैं कि पहले लॉगिन हो उसके बाद हमारा MDI फॉर्म आना चाहिए, मेन्यू वाला फॉर्म आना चाहिए, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे एक फॉर्म और ऐड करा लीजिए, स्टॉप कर दीजिए। अब कि भाई मैं मान लो इस सॉफ्टवेयर का इस फॉर्म का नाम दे दिया, जैसे लॉगिन फॉर्म, क्या नाम दे दिया, लॉगिन। तो प्रॉपर्टी में गए आप, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, टेक्स्ट इसका जब फॉर्म बन लिखा, हमने लिख दिया लॉगिन, क्या लिख दिया, लॉग इन, क्या कर दिया, लॉगिन फॉर्म हो गया ये हमारा, ठीक है। इसको आप और अच्छा से बनाना चाहते हैं तो कोई इमेज वगैरह भी आप इस पे लगा सकते हैं। तो इमेज लगाने के तरीका आपके क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इमेज के लिए, कि जो भी आप सॉफ्टवेयर में रिसोर्सेस यूज़ करें वो सारे रिसोर्सेज लाके अपने पैकेज के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे हमने PNG लिया, PNG में हमने जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ से हमने मान लो लॉग इन बना लिया, क्या लॉग इन सर्च करा लेते हैं अपन, लॉग इन, लॉग है पर लॉग इन नाम से हमारे पास, ठीक, अपने पास लॉग इन वाला कोई आइकन नहीं है। अपन चाहे तो यहाँ से अपन मान लो चाहते हैं, अपन लॉग इन करना चाहते हैं, लॉग इन के लिए टिक वाला लगाना, क्या लगा, टिक, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और अपने रिसोर्स फोल्डर के अंदर, जो आपका रिसोर्स फोल्डर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में जाने के देखिए यहाँ पे लिखा रिसोर्स, रिसोर्स में जाके आप हमेशा इसको क्या कर दी फिर, यानी जो भी आप इमेजेस यूज करना चाहते हैं वो सारी इमेजेस आप कहाँ यूज करिए, रिसोर्स के अंदर। अब देखिए इस फॉर्म के अंदर हम क्या कर सकते हैं, करते हैं वो सारे रिसोर्सेज अपने इस फोल्डर में आप लाके क्या कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। कहाँ आपको मिलेगा ये रिसोर्स फोल्डर, प्रॉपर्टीज के अंदर, प्रॉपर्टी में जब जाएंगे देखिए एप्लीकेशन कंपाइल डेबग रिफरेंस रिसोर्सेज ये सर्विसेज, तो आपको अभी यहाँ से क्या रिसोर्स के अंदर हमने पेस्ट कर दिया। अब इस इमेज को हमें कहाँ लगाना है, इस लॉग इन पर लगाना है, तो राइट क्लिक किया। अब देखिए इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो आ रहे हैं, लोकल रिसोर्स और प्रोजेक्ट रिसोर्स, तो हमें किस पे काम करना है, प्रोजेक्ट रिसोर्स पे अपने काम करना है। इमेज का अलाइनमेंट ले लीजिए जो भी आपको अलाइनमेंट लेना, हमने यहाँ पे देख कर दिया इसका, ठीक है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो भी आपको करना है यहाँ सेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट का अलाइनमेंट, ये देखिए, और अपने हिसाब से इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्लियर। ये आपका यहाँ से देखिए बन गया। अब इसी तरह आप कोई MDI फॉर्म अपना ओपन करना चाहते हैं, किसको ओपन करना चाहते हैं, MDI फॉर्म को, तो MDI फॉर्म को ओपन करने का तरीका क्या है, जैसे आप यहाँ पर अपने फॉर्म ओपन किया वैसे आप राइट क्लिक करके एक फॉर्म ले लीजिए, क्या लीजिए, फॉर्म ऐड, इस फॉर्म को आप क्या बना लीजिए, MDI फॉर्म बना लीजिए। तो MDI फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस MDI कंटेनर प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, ट्रू, और इसकी इस विंडो स्टेट प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं, मैक्सिमाइज्ड, और यहाँ पे आपको जो भी मेन्यू रखने हैं वो मेन्यू रख लीजिए। तो हम एक सिंपल डेमो देके मेन्यू रख देते हैं, आप मेन्यू रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का, किसका यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो मेन्यू स्ट्रिप को लाके हमने यहाँ पे मेन्यू स्ट्रिप को रख दिया, तो हमने यहाँ जैसे बना दिया फाइल, ठीक, यहाँ पे हमने ले लिया एडिट, क्या ले लिया, एडिट, एडिट। अब इसको आप इसके अंदर कोई भी ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया ओपन, सेव, क्लोज, ओपन, सेव, क्लोज, यहाँ पे आपने जैसे कर दिया कट, क्या कर दिया, कट, यहाँ पे आपने कर दिया कॉपी, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पेस्ट, इस टाइप से आपने बना लिया, क्लियर।
अब देखिए हम क्या चाहते हैं, लॉग इन करें उसके बाद ही हमारा मेन फॉर्म खुलना चाहिए। तो इसके मेन्यू में जाके हमने इस मेन्यू का साइज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो हमने इसका कैसे कर दिया, बोल्ड 12, क्या कर दिया, बोल्ड 12। अब हम अपनी कोडिंग पे जाते हैं लॉगिन वाले फॉर्म पे, ये लॉगिन वाले फॉर्म पे गए, जहाँ फॉर्म 2 को शो किया वहाँ पे हमने क्या कर दिया, फॉर्म 3 को शो करा दिया। किसको करा दिया, फॉर्म 3। फॉर्म 3 शो हो गया हमारा। और इस फॉर्म 3 का नाम आपको जैसे कोई भी रखना है, जैसे आपने रख दिया स्कूल इंफॉर्मेशन या स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जैसे हमने दिया स्कूल इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, जो भी आपको नाम रखना सॉफ्टवेयर स्कूल इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, क्लियर। आप देखिए रन करा दीजिए, एक स्क्रीन खुल रही है आपकी। इस टाइप से जब सेटअप बन जाएगा तो इस टाइप से आएगी पहले इसकी, आपने दे दिया एडमिन टैब एडमिन, और उसके बाद आपने लॉग इन बटन पे क्लिक कर दिया। ये देखिए अब आपका स्कूल वाला सॉफ्टवेयर खुल गया कि नहीं खुल। तो इस टाइप से आप डेटाबेस से अपने सॉफ्टवेयर को भी ओपन करा सकते हैं। ये हमने आपको बताया है लॉग इन फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं और लॉग इन फॉर्म पे हम काम कैसे करते हैं। तो इतना आप लोग कर लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमें कमेंट्स व्हाट्सएप में बताइएगा जरूर, ठीक है, थैंक यू।